हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है चीन वेबसाइट वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकलिन और गाइस सर अभी हो गई है मस्त सी सुबह। अभी मैं जा रहा हूँ शिनचैन के पास। एरी टकलू अंकल आ गए। अबे ओ शिनचैन, किसको टकलू बोल रहे हैं? एरी फेकी भी एस को बोल रहा हूँ। अबे क्यों मुझे को टकलू बोल रहे हैं? एरी फेकी भी देखो ना, टकलू हो गई यार। और भाई बता भी दे किसकी वजह से हुए। एरी फेकी भी मैं क्यों बता बता दे ना। तो गाइस सर आपको बता दूं कि मैं टकलू क्यों हो गया, क्योंकि गाइस सर मैं कल जब रात को सो रहा था तो शिनचैन आके मेरे पूरे सर में च्युइंगम चिपका थी, मतलब मेरे बालों में च्युइंगम चिपक गई थी। उसकी वजह से यार मेरे पूरे बाल चिपक गए थे, तो मुझे पूरे बाल कटवाने पड़े। मेरे पूरे सर में च्युइंगम कर दी थी शिनचैन ने, फिर मुझे जाके पूरे बाल कटवाने लगे पड़े और मैं हो गया पूरा का पूरा टकलू। अब देखते हैं यार कब बाल आएंगे शिनचैन की वजह से। पागल है शिनचैन तू? एरी फेकी बे मैं तभी कैस नहीं, अबे तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। हेलो फ्रैंकलिन, मेरी बात सुन। हां लेसर बोल। अरे फ्रैंकलिन, तेरा जो भी देखो अच्छा दोस्त लगता हो, फटाफट से उसको लेके मेरे पास आ, जो चोरी में माहिर हो, क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरी काम है। अरे क्या काम है सर? अरे तू जल्दी है, मैं तेरे को पूरा का पूरा प्लान समझाता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे भाई लेसर को क्या हो गया? उसने बोला है कि किसी दोस्त को बुलाना जो चोरी में एक्सपर्ट हो। चलो ये ऐसा एक दोस्त तो सिर्फ एक ही है, वो है लामर। तो उसको फटाफट से अपन फोन करते हैं, उसको बुलाते हैं अपने पास और फिर चलते हैं लेसर के पास। हेलो लामर, अरे मेरी बात सुन। सुन यार बहुत जरूरी काम है, मैं तेरे को अभी के अभी लेने आ रहा हूँ। तू फटाफट से तैयार हो जा, मुझे बाहर मिली तेरे घर के और मैं लेकर वहां से निकल जाऊंगा। अरे मैं तेरे को बता दूंगा ना, आके रुकता आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। तो अभी लेसर ने बोला कि बहुत ही जल्दी आना, और यहाँ पे ये चौप ने फिर से टट्टी कर दी, इसको अभी मेरे को साफ करने का टाइम नहीं है। अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, सीधा अपनी गाड़ी बैठ जाए शिनचैन, जल्दी आ जा। अभी हमें जाना होगा सीधा लेस्टर के पास, उसको यार कोई चोरी वोरी का काम है, तो फटाफट चलते अभी लामार को लेते अपने साथ और फिर चलेंगे हम लेस्टर के घर। तो अभी हम बस लामार के पास पहुंचने वाले। मैंने उसको बोल दिया था बाहर तैयार क्योंकि खड़े होने के लिए, अभी यहीं पे कहीं पे लामार बस आता ही होगा। अरे फ्रैंकलिन, कौन सी पार्टी वार्टी दे रहा है, कहाँ चल रहा है बता। अरे पार्टी वार्टी नहीं, कुछ काम है। तो गाइस अभी हमारे साथ लामार बैठ चुका है। तो गाइस अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करना, और गाइस अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं है तो फटाफट से लाइक भी कर देना। अरे लेसर हम आ गए। अरे भाई गेट तो खोल। अरे यार चढ़ के जाना पड़ेगा, लेसर गेट नहीं खोल रहा यार। अरे बोल भाई हम आ गए यार, क्या काम है तेरे को? अरे फ्रैंकलिन आखिरकार तुम आई गए, अब मेरी बात सुनो। मैंने एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है चोरी का, जिसमें आने वाले बहुत ही ज्यादा मजे और बहुत सारे पैसे मिलेंगे हमें। अच्छा भाई कैसे, क्या बता पूरा प्लान तो बता। सुन, मैंने सोचा है कि हम करने वाले आज दुनिया की सबसे बड़ी चोरी, पर वो आज नहीं करने वाले, आज हमें करनी होगी एक छोटी चोरी, क्योंकि जो बड़ी चोरी के लिए हमको पैसे चाहिए वो हम छोटी चोरी से जमा करेंगे। तो तू और लामार जाओ और वो छोटी वाली चोरी करके आओ, फिर उसके बाद हम बड़ी वाली चोरी करेंगे जब हमारी पूरी पूरी गैंग तैयार हो जाएगी। तो अभी एक बार ऊपर जाके देखते हैं लिए गिफ्ट है। अरे क्या गिफ्ट है भाई, मैं जाके देखता हूँ फटाफट से। अभी यहाँ पे जाके देखते, और ये सामने क्या पड़ा है भाई साहब? अरे ये तुम्हारे लिए सूट है और कुछ गन्स भी है, इन सबको दोनों तुम पहन लो और जाओ सीधा बैंक में चोरी करने। अरे ठीक है भाई हम समझ गए। तो गाइस सर अभी मैंने ये सूट पहनने है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। लामर ने भी सूट पहन लिया और हम जाने वाले हैं चोरी करने। यहाँ से अपन फटाफट से चलते नीचे कूदते हैं और पैराशूट खोल लेंगे। गिर गया पैराशूट से, पर कोई बात नहीं, अब इस वाले वैन में जाने वाले उस बैंक में चोरी करने। तो अभी हम यार इस वैन में तो बैठ चुके हैं, ये वैन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लामर तैयार है ना तू? तो अरे हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो अभी अपन चलते फटाफट उस बैंक में चोरी करने। लेस्टर ने बताया कि इस चोरी की बात है कि आलिशान हम बंगला लेने वाले, जिसके अंदर हम बाकी की प्लानिंग करने वाले, तो उसके लिए हम कुछ होंगे पैसे और वो जाके हम बैंक से चुराएंगे। तो अभी फटाफट से अपन चलते सीधा बैंक। तो अभी सामने मुझे बैंक दिख चुका है, अपनी फटाफट से यहाँ पे वैन लगाते क्योंकि आते वक्त हम सीधा इसमें बैठेंगे और यहाँ से सीधा गायब हो जाएंगे। तो अभी अपन फटाफट से यहाँ से घुसने वाले। लामर तैयार ना गन लेके? अरे आप तो बिल्कुल तैयार हो जी। अरे भाई जी तो फटाफट से अंदर घुसते। लामर लामर, अबे लामर का चला गया। हेलो लामर, अरे ये लामर का चला गया। अबे ये कहाँ भाग गया? अबे यार ये क्या हो गया भाई, लामर का चला गया। अरे मुझे लगता है अकेले चोरी करनी पड़ेगी, पर मैं चोरी तो करके रहूंगा। यहाँ पे टकलू गार्ड पर फटाफट से टकला सुझाते, एक का तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक और गार्ड खड़ा है, चुपचाप से उसको देखते कहाँ ये गार्ड कहाँ गया। अभी इधर तो था अभी अभी ये तो ये रहा। इसको आराम से फटाफट से इसको भी मैंने मार दिया है। तो अभी यहाँ पे मैंने गार्ड्स को तो मार दिया। अरे यार नहीं, अरे भाई अलार्म किसने बजा दिया? अरे यार ये क्या हो गया, अबे किसने बजाया अलार्म, सबको मार दूंगा। यहाँ पे सारे गार्ड्स तो मर चुके, पता नहीं लामर कहाँ चला गया। अब यार इनको कौन संभालेगा, मतलब मैं इनको संभालूं कि चोरी करूं? अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, लामर कहाँ चला गया यार। अबे किसने अलार्म बजाया, सबको मार दूंगा, कोई भी हिले तो सीधा उसको गोली पड़ेगी, चुपचाप इधर ही ना। तो अभी अपन फटाफट से अंदर चलते हैं। यहाँ पे बॉम्ब लगा देता हूं जो कि मुझे यार लेसनर ने दिया था, तो फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं इस बॉम्ब को। और एक तो ये लामर पता नहीं कहाँ चला गया भाई, यार इनमें से कोई भाग भाग गया ना तो बता देगा, मतलब चोरी। वैसे तो मेरा मास्क लगा हुआ है तो पता चलने नहीं वाला। एक तो मेरी बात सुनो, किसने अलार्म बजाया था, पागल वागल
लोगों के चोरी नहीं करने देते शांति से। तूने बजाया था कि तूने बजाया था? किसने बजाया था भाई? एक काम करता हूँ, सबको मार देता हूँ, निकलो ऐसे, इधर सबके ऊपर आग लगा दूंगा। तुमने क्यों बजाया अलार्म? पागल वागल लोगों के चोरी नहीं करूंगे मैं। तो अभी फटाफट से यहाँ पे अभी अंदर चलते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं बॉम्ब लगा देती हूँ, ये वाला गेट भी खुला हुआ है, और मैंने यार सिक्योरिटी जो यहाँ पे मतलब जो भी बैंक वाले थे उनको तो मार दिया, तो ये वो खोलने वाले नहीं है। तो एक काम करते फटाफट इसको बॉम्ब लगाते हैं और ये उड़ा देते हैं, बूम होने वाला, और ये बूम, और ये गेट पूरा पूरा उड़ चुका है। और यहाँ पे यार गार्ड्स करते इनको फटाफट से स्मोक फेंकते, इनको दिखने नहीं वाला, और सीधा इनको फटाफट से इनको पेल साला गंजो, ये लो ये भी गया। अभी भी इनको सबको मार दिया। तो अभी अपन फटाफट से अपनी चोरी बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो आखिरी गार्ड्स थे मैंने उनको भी मार दिया, क्योंकि मुझे लेसन ने बता दिया था कि ये वाले गार्ड्स यहाँ पे कन्फर्म होंगे। तो अभी फटाफट से इसको हैक कर लेते हैं अपन, और फिर सीधा अंदर जाएंगे, बहुत सारा पैसा लूटेंगे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसको पहले मेरे को बिल्कुल ढंग से यार हैक करना पड़ेगा। एक हो गया, इसको मेरे को सारी सारी स्टिक को बिल्कुल ढंग से रेड लाइन में लगाना होगा, और इधर लगा दिया, ये भी इधर लगा दिया, ये भी इधर लगा दिया, और ये भी, और ये लास्ट, और ये लास्ट, अरे यार ये तो कैंसिल हो गया। चलो एक और बार लगाने की कोशिश करते हैं, और ये मैंने पूरा हैक ढंग से कर दिया। अभी ये लामर होता तो ये काम बहुत ही ज्यादा इजी होता, पर कोई बात नहीं, अभी मैंने इसको हैक कर दिया और ये अपना गेट खुल चुका है। अरे भाई साहब मजे हो गए, अब तो मैं फुल पैसे लूटूंगा, मजे आ गए। तो यहाँ पे भी अपना बॉम्ब लगा दिया, फटाफट इस गेट को भी उड़ाते, और फिर सीधा हम पहुंच जाएंगे अपने पैसे के पास, सीधा बहुत ही मजा आने वाला है। और गाइस अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना हो तो फटाफट से कमेंट कर देना, क्योंकि ये वाली चोरी तो हमने बिल्कुल आधी से ज्यादा तो कर ही ली है, पर यार अगली वाली जो चोरी होने वाली है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि यार ये सारे सारे पैसे हम उसे यार अगली चोरी के लिए जमा कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक पूरी की पूरी टीम चाहिए होगी, और एक बहुत ही बड़ी यार जगह चाहिए होगी जहाँ पे हम चोरी की पूरी प्लानिंग कर जाए, तो यार बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अभी फटाफट से ये वाला गोल्ड तो मैंने लूट लिया, और सामने मुझे और गोल्ड दिख गया। अरे भाई हमको पता नहीं था कि यहाँ पे और गोल्ड होगा, हमको तो लगा सिर्फ ये इतना ही गोल्ड होगा, पर यहाँ पे तो और भी गोल्ड है। इसको मैं फटाफट से लूट लेता हूँ, मेरे पास हो चुके पूरे के पूरे $23 million, जो कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो फटाफट से इसको चुराते हैं, इसको भी चुराते हैं, क्योंकि जो अगली चोरी है ना वो हमको और भी ज्यादा बड़ी करनी है, मतलब लॉस एंड्रोस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी होगी, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, मैंने सारे सारे गोल्ड अपने बैग में रख लिया है। अभी हम यहाँ से सीधा रफ चक्कर होने वाले, पर बाहर यार बहुत ज्यादा पुलिस है, तो मेरे को उनको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। ये सारे सारे हम पूरा फोड़ देंगे, सबको फोड़ देंगे, आज तो हमारे बहुत ही मस्त होगा, क्योंकि हमको मिल चुके हैं बहुत सारा गोल्ड। तो अभी अपन यहाँ से निकलते फटाफट से। अरे ये पुलिस वाले कहाँ से आ गए? अरे तुम कहाँ से आ गए? अंदर पीछे से कोई रास्ता वस्ता है क्या? मेरे को पता नहीं था। अरे भाई इधर भी कोई रास्ता है क्या? अरे ये भी आ रही है तो। अरे भाई सब, अरे एक सेकेंड, मुझे बाहर पुलिस के सायरन क्या हो जा रही है? अरे मुझे लगता है मेरे को पुलिस ने यार हर जगह से घेर लिया है, अब मैं क्या करूंगा यार? पर मुझे कहीं ना कहीं से तो निकलना पड़ेगा। एक काम करते इस वाले गेट से निकलते हैं, सामने पुलिस खड़ी है। अरे रुको रुको यार, पीछे मारते हैं, निकलो यहाँ से, सामने बहुत सारी पुलिस खड़ी है। एक काम करते हैं, आरपीजी उड़ाना चालू करते हैं, फिर ही अपन को रास्ता मिलेगा यहाँ से जाने का, और कोई तो नहीं ना। मेरी वैन वहाँ पे खड़ी, अरे ये क्या कर दिया मैंने? अरे मैंने अपनी वैन को उड़ा दिया, मैं क्या करूँ अब? अरे पुलिस वाले खड़े, ये लो निकलो यहाँ से। अरे मैं कहाँ से निकलूँ? मुझे कोई गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी यहाँ से निकलने के लिए। सामने पुलिस वाले एक फटाफट से इसमें बैठ के यहाँ से निकलते हैं। अरे हेलीकॉप्टर भी आ गए, काम करते हैं हेलीकॉप्टर को भी पहले उड़ा देते हैं। ये ले अरे ये निकले, और इसको मैंने मार दिया, और फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं और यहाँ से अपन निकल जाते हैं यहाँ से। अरे भाई सामने बहुत सारे बंदे भाई भागो यहाँ से, बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके। अरे वापस से पीछे घुमा के और सीधा निकलते हैं ऐसे। लामार का कुछ आता पता तो नहीं, मैंने सारे सारे गोल्ड तो उठा लिए, तो अभी फटाफट से ऐसे भगते हैं अपन। तो अभी मैं अब ये वाली गाड़ी लेके यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि यार वाली गाड़ी तो यार पुलिस वालों ने पूरी पूरी खराब कर दी। अपन यहाँ से निकलते छोटी वाली गली से, और ये बचाओ मेरे को। अरे भाई एक क्या जंप खेल रहा हूं मैं, अरे मुझे जिंदा जाना है। मेरी गाड़ी आराम से। अरे भाई बिल्कुल ढंग से लैंड कर लिया। चलो यार मैं पुलिस वालों से थोड़ा बच चुका हूं, तो भी फटाफट से यहां से गायब हो जाते हैं। अरे फ्रैंकलिन तूने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया, हमारा जो अगला मिशन होने वाला है वो इन सब के साथ होने वाला है। अरे तूने की पूरी पूरी गैंग बना भी ली क्या? तो कैसे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी की पूरी गैंग आ चुकी, और यहाँ पे हमने एक घर ले लिया, हमने बिल्कुल सिटी के बीचों बीच घर लिया है, ताकि किसी को शक नहीं हो कि यहाँ पे भी कोई चोरी प्लान कर सकता है। तो आज से हम शुरू करने वाले अपनी चोरी की प्लानिंग, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये हमारे सारे सारे जने आ गए जो हमारे साथ अपनी चोरी में प्लानिंग करने वाले। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 भाई कितने सारे जने, कोई भी अगर हमको धोखा देगा उस लामार की तरह तो उसको मार दिया जाएगा। वो लामार तो पता नहीं कहां भाग गया, पता नहीं उसने धोखा दिया, पता नहीं वो डर गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हम जाके बाद में देखेंगे। तो अभी लेसर तू प्लानिंग शुरू कर। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट जाके कमेंट में बता दो, हमारा घर कैसा लगा वो बता देना, हमारी जो अगली चोरी होने वाली है वो होने वाली बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और कोई भी कमेंट में मुझे टकलू नहीं कहेगा वरना वो टकलू हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके जॉइन और फॉलो कर लो। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।